गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अ चैप्टर 2.2 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 4. यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 4. फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर. फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर. क्या करना है आपको? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का सम करना है, मींस ऐड करना है. ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जानते हैं क्या होता है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. अब आपको क्या करना है? फाइंड द सम. क्या बोला है आपको? फाइंड द सम. अब आपको क्या करना है इसमें? इसको सम करें. द सम ऑफ सम क्या होगा इसमें? अब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 9 + 9 कितना हुआ? 18. 1 कैरी ओवर. 9 + 9 10 + 1 18 + 1 19. 9 1 कैरी ओवर. 9 + 9 18 + 1 19. 9 1 कैरी ओवर. 9 + 1 10. इट मीन्स द सम ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज दिस 10,998. इसी तरह से फिर क्वेश्चन 5 है. रमेश डिपॉजिटेड रुपीज 2,850 इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड रुपीज 3,650 इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन हिज बैंक अकाउंट. व्हाट इज द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स. उसने जनवरी में कितने डिपॉजिट किए एंड फेब्रुवरी में कितने किए, फिर क्या करना है आपको? सम ऑफ मनी और इनका मनी जो है उनको सम करना है, ऐड करना है. तो ही डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स. तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, रमेश डिपॉजिटेड मनी इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो क्या करना है देखिए, मैं बता रही हूँ अब आपको. देखिए, रमेश डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी में कितने किए? 2,850 रुपीज. इसमें आपका यह रुपीज का साइन द लगाएंगे अपन. रुपीज 2,850. नेक्स्ट फिर मंथ ऑफ फेब्रुवरी 3,600 रुपीज. 3,650. ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स. तो 2 मंथ्स में उसने तो ही डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स. तो क्या करेंगे इसमें आप? इसको ऐड करना है. क्या करना है? ऐड. अब ऐड करेंगे तो क्या? 0. 5 + 5 10. 1 कैरी ओवर. 8 + 1 9. 9 + 6 क्या हुआ? 15. 5 1 कैरी ओवर. दिस इज 6. इट मीन्स ही डिपॉजिटेड रुपीज 6,500 इन 2 मंथ्स. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ही डिपॉजिटेड रुपीज 6,500 इन 2 मंथ्स. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन 6 क्या है? अंशु बॉट अ साइकिल इन रुपीज 2,999 एंड रुचि बॉट अ साइकिल इन रुपीज 2,650. हाउ मच मोर मनी डिड अंशु बाय साइकिल देन रुचि. तो देखिए, अंशु बॉट अ साइकिल इन रुपीज 2,999 एंड रुचि बॉट अ साइकिल इन रुपीज 2,650. तो आपको क्या बताना है? हाउ मच मोर मनी डिड अंशु बाय साइकिल देन रुचि. रुचि से उसने कितने ज्यादा रुपीज दिए हैं अंशु ने. तो क्या करेंगे इसके लिए?
इसमें अमाउंट किसका ज्यादा है, अंशु का, तो पहले अंशु का लिखेंगे, अंशु बॉट अ साइकिल उसका अमाउंट लिखिए, फिर रुचि बॉट अ साइकिल उसका अमाउंट लिखिए, और फिर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, डू योर सेल्फ, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 6678। इफ वन नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर। देखिए इसको हम करते हैं, क्वेश्चन 7 है आपका, करना है अभी 7 कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 7 है आपका, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 7678। इफ वन नंबर इज 4613 फाइंड द अदर नंबर। आपको टू नंबर्स का एडिशन बता दिया, उसमें से एक नंबर बता दिया, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अदर नंबर क्या होगा। उसके लिए देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का एडिशन क्या दिया हुआ है आपको, 7678। इफ वन नंबर इज 4613 फाइंड द अदर नंबर, तो क्या करेंगे, टू नंबर्स का एडिशन आपको बता दिया है, इफ वन नंबर इज दिस तो फाइंड द अदर नंबर, तो क्या करेंगे, जो वन नंबर जो दिया है उसको टू नंबर के सम में से माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 8 - 3 क्या होगा, 5, 7 - 1 - 6, 6 - 6 - 0, 7 - 4 - 3, इट मीन्स द अदर नंबर इज दिस। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन 8 है, मोहन हैज 10,000 रुपीज, ही बॉट वीट ऑफ रुपीज 4500 एंड राइस ऑफ रुपीज 1600, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। मोहन के पास कितने रुपीज थे, 10,000 रुपीज, और उसमें से उसने वीट लिए, वीट मीन्स गेहूं, वीट लिए कितने के, 4500 रुपीज के, एंड राइस लिए 1600 रुपीज के, तो उसने 10,000 में से लिए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके पास कितने रुपीज बचे, तो क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ वीट एंड कॉस्ट ऑफ राइस ये लिखा, और इसको आप करेंगे ऐड, इनको ऐड करने के बाद इसको आप 10,000 में से माइनस करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फिर है क्वेश्चन 9, इन द 3 स्टेज ऑफ पल्स पोलियो कैंपेन, पोलियो ड्रॉप ड्रैंक बाय द 8,976 चिल्ड्रन ऑफ बागवास पंचायत। एक बागवास पंचायत है जिसमें 8,976 चिल्ड्रन ने कितना ये पल्स पोलियो ड्रैंक किया, पिया, दी गई उनको ड्रॉप्स, कितने बच्चों ने लिए है पोलियो ड्रॉप ड्रैंक, 8,976 चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, फिर बताया इसमें इन फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में कितने 2780 चिल्ड्रन ड्रैंक पोलियो ड्रॉप, फर्स्ट फेज में कितने बच्चों ने लिया, 2780 चिल्ड्रन, ठीक है, फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में लिया है इन सेकंड फेज 2925 चिल्ड्रन ड्रैंक इट, 2925 चिल्ड्रन। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन ड्रैंक पोलियो ड्रॉप इन थर्ड फेज, तो थर्ड फेज में कितने बच्चों ने पल्स पोलियो ड्रैंक किया, ठीक है, कितने बच्चों को दी गई है पल्स पोलियो ड्रॉप्स, तो क्या करेंगे, टोटल चिल्ड्रन कितने थे ये, इसमें से फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, अब थर्ड फेज के लिए क्या करना होगा हमें, ये टोटल इसमें से थर्ड फेज का क्या होगा, 8976 माइनस 2780 जो फर्स्ट फेज के बच्चे थे, प्लस सेकंड फेज के बच्चे 2925, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और उसमें इसको फिर इसमें से माइनस करेंगे, आया समझ में, तो क्या करना है आपको, इसको आप करते हैं, इसको ऐड करके देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे ऐड करके देख लें, ये है यहाँ पर
तो आप लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, रफ में नहीं करना है, आपको फेयर में शो करना होगा, ठीक है। ये आया 2780, इसमें प्लस करेंगे 2925, इनको प्लस किया तो क्या आया 5, 8+2, 10 का 0 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर, 9+7 क्या हुआ 16+1, 17, 1 कैरी ओवर एंड 2+2, 4+1, 5। इट मीन्स 5705 चिल्ड्रन ने ड्रिंक किया, तो इसमें से 8976 में से इसको माइनस करेंगे, इनको माइनस करते हैं, देखिए कितना आएगा 8976 में से माइनस करें 1, 7, 2 and 3। इट मीन्स थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रन थे 3271 चिल्ड्रन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड डू क्वेश्चन 4 to 9 इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, डू क्वेश्चन 4 to 9 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में ये क्वेश्चन 4 to 9 करना है ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का करना है। ओके, थैंक यू।